al नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई नरसिम्हा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेल तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में ऐसी सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महाद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है से साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं, अवकू को माफ कर देते हैं, और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोच रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद्व युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अवकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्मा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल फिल्म में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा सिर्फ के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी को इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महाद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई दस साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नी से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं, उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और रेसी गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैकसन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है की लक्ष्मी से मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकू राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडे शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुब्बाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोके लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं, तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कुछ रन उ को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल कुकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वास घाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर प्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अवकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहाँ से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के रायलसीमा लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने थन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा सिर्फ के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजते है नत की लक्ष्मी से मिलता है और भगदर मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के, के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि की के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकिन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोच रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगों को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोंपकर कर मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया दस बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करें साईरा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतुपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिमा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रत्न बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार अठारह सो के दौरान भारतीय उप महादिव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और जाओ को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नर्त लक्ष्मी मिल है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेडनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं। कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेडी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते है जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का बंद करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद्व युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगों को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साईरा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंदवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिमा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रत्न बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और जाओ को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नक्ष्मी ऐसी मिल है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेडनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं। कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते है जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का बंद करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं, तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोच रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब एक घायल क्रकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने ऐसी पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया दस साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करें साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहा से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साईरा नरसिम्हा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते है जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रत्न बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई दस साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं। नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैकसन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी लक्ष्मी से मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते है और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब एक घायल कोकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई बेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मी और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करें साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साईरा नरसिम्हा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयनतारा के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते है जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रत्न बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी कुछ इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नी से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा लिया जाता है के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी से मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवको को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि की के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकिन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद्व युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगों को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मी और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे की आप लोग इस मूवी को कहा ऐसी देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्रायल लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयनतारा के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने थन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमार रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं, और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया दिया। लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई बेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्मा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले राम द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतुपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने थन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में ऐसी सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई दस साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नी से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं, अवकू को माफ कर देते हैं, और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेडनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल कुकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर प्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अवकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्मा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रा नरसिम्हा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले राम द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतुपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिमा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल फिल्म में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा सिर्फ के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी को प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई दस साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नी से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं, उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और चाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद लक्ष्मी मिल है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडि शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रुकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वास घाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अवकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने थन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा सिर्फ के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और रेसी गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और जाओ को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडू के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी से है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि की के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकिन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रुके ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोंपकर कर मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया दस बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साईरा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहाँ से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने थन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिमा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल फिल्म में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और रेसी गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और जाओ को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी से है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं। कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि की के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकिन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगों को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोंपकर कर मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया दस बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करें साईरा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंदवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतुपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैकसन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नत की लक्ष्मी से मिलता है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते है और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेडनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडि शामिल हो जाते हैं। कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते है जो मर जाता है जैसा की रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का बंद करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रुके ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया दस साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करें साईरा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो हजार उन्नीस की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंदवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल फिल्म में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विध सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और रेसी गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नत की लक्ष्मी से मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अब को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और और लूट पार्टी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं। जब रेड्डी और नागरिकों के एक समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकेन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं, तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगों को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करें साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साईरा नरसिम्हा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोडेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयनतारा के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते है जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रत्न बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आई द्वारा दस में से सात की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा अस्सी के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो आरोप सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो आरोप विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महाद्यु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई दस साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं। नसीम्मा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं, और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेडनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि की के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं, तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकिन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद्व युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगों को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई बेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मी और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहा से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साईरा नरसिम्हा रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयनतारा के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते है जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने कथन दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई गूगल यूजर द्वारा अस्सी प्रतिशत के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर आरोप सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी कुछ इस प्रकार अठारह सौ के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगाते लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं। नसीमार रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद की लक्ष्मी से मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अबकू राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवको को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेडनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष से सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोच रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रुकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वास घाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई बेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेडी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साईरा नरसिम्हा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और को प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के रायलसीमा लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयनतारा के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रत्न बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई गूगल यूजर द्वारा अस्सी प्रतिशत के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर आरोप सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी कुछ इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमार रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है की लक्ष्मी से मिलता है और भगदड़ मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं, जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोच रन को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कुकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रुकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वास घाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अबकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मी और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्मा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल फिल्म में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा सिर्फ के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी को जिस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महादेव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई दस साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नी से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं, उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और चाओ को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद लक्ष्मी मिल है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडि शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गाँव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अवकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्कार कैसे है आप सब दोस्तों अगर आप लोग साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज हम बात करेंगे साई रा नरसिम्मा रेड्डी हम इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग इस मूवी को कहां से देख पाएंगे दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साई रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और कोन डेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रामचरण द्वारा निर्मित दो भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है सुरेंद्र रेड्डी ने परचुरी बंधवा द्वारा दी गई एक मूल कहानी पर आधारित फिल्म की पटकथा लिखी कथा का एक काम फिल्म आंध्र प्रदेश के ड्राय लसीमा क्षेत्र से भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता उयाल वाड़ा रेड्डी के जीवन से प्रेरित है फिल्म में चिरंजीवी नयन के साथ शीर्षक चरित्र के रूप में तमन्ना सुदीप जगव बाबू और विजय सेतुपति सहायक भूमिकाओं में है अमिताभ बच्चन और अनुष्का सेट्टी अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं जो अमिताभ की पहली तेलुगु शुरुआत है फिल्म में पवन कल्याण कमल हासन और मोहनलाल ने दिया है फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की कहानी है फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका कार्यकाल इसमें एक मिनट का भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई बजट 200 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर इसने 300 करोड़ कमाए फिल्म की छायांकन और रतन बेलू द्वारा संभाला गया था और संपादन ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था फिल्म में अमित त्रिवेदी द्वारा रचित साउंड ट्रैक है जबकि पृष्ठभूमि स्कोर जूलियस पैकेम द्वारा रचित है इस फिल्म को हिंदी कन्नड़ मलयालम और तमिल में एक साथ डब संस्करण जारी किए गए थे फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और मूल तेलुगु संस्करण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहा लेकिन अन्य भाषाओं में डब किए गए संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रहे हैं फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई गूगल यूजर्स द्वारा सिर्फ के लाइक भी मिले अगर इस मूवी को देखना चाहेंगे तो प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख पाएंगे जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर विद सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे इसे कहानी की बात करने कहानी को इस प्रकार है अठारह के दौरान भारतीय उप महाद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है झांसी शहर अंग्रेजों की घेराबंदी में है और बचाव करने वाले सैनिक यह देख कर डगमगा लगते है की उनकी संख्या कम है हालांकि उनकी रानी लक्ष्मी बाई साल पहले अपना युद्ध शुरू करने वाले विद्रोही की कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करती हैं नसीमा रेड्डी का जन्म उयल वाड़ा के प्रमुख और उनकी दो पत्नियों से हुआ था जो नोसाम के प्रमुख की बेटियां हैं, उन्होंने अभी भी पैदा होने और जीवन में आने के बाद मृत्यु को टाल दिया और माना जाता है कि उन्हें उपहार की क्षमताओं के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिला और उन्हें कम उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेजों द्वारा किए गए एक निष्पादन से आगे निकल जाता है और उसके दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ग्रामीणों के सामने आने वाली दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। रेड्डी प्रतिशोध लेने की कसम खाता है और ऋषि गोसाई विकन्ना के तहत युद्ध और दर्शन सीखता है पच्चीस साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों के कई गिरे हुए प्रमुखों और को इकट्ठा करते हैं और रेनाडू शहर में पूरी तरह से परिचालन प्रतिरोध का आयोजन करते हैं मद्रास के गवर्नर कोक्रेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है क्रोकेन के बारे में कहा जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावी था और वह जैक्सन नाम के एक जर्नल को जबरदस्ती रेनाडो के कारों को इकट्ठा करने के लिए भेजता है रेड्डी नद लक्ष्मी ऐसी है और भगदन मचाने वाले मवेशियों से उसकी जान बचाता है जिसे साथ ही प्रमुख अवकु राजू ने नशा दिया है जो अपनी लोकप्रियता के लिए रेड्डी के प्रति सत्ता रखने के लिए जाना जाता है रेड्डी मवेशियों को घेर लेते हैं अवकू को माफ कर देते हैं और लक्ष्मी के लिए भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं लेकिन यह कुछ भी नहीं आता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच बाल विवाह पहले ही हो चुका है जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और यह यज्ञ के लिए फिर से मिल मिल गए धार्मिक संस्कार यह जानने के बाद लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है इस बीच जैक्सन ने रेड नाडू के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारा और लूट पाटी और रेड्डी को उसके खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर चुनौती दी प्रतिशोध में रेड्डी ने जैक्सन के घर पर खुद हमला किया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला वह अंततः उसका सिर काट देता है और अपना सिर कोचरन को भेज देता है प्रतिरोध तब और मजबूत हो जाता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और इसे बढ़ावा देती है जिससे तमिल प्रमुख राजा पांडी शामिल हो जाते हैं कोचरन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है जिनसे सभी मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिकों के समूह ने अपनी तकनीक का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करते हुए खुद को एक किले में बंद कर लिया अब को सुधार करता है और रेड्डी की बहादुरी का प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में मदद करता है इस प्रक्रिया में सिदम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी उसका नाम अपने किसान मित्र के नाम पर सुबाया रखते हैं जो मर जाता है जैसा कि रेड्डी ने नागरिकों को प्रशिक्षित करने की अपनी सेना का विस्तार किया क्रोकिन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी को पाने के लिए उसका उपयोग करने का प्रबंध करता है जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रोकेन के पास प्रतिरोध को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और एक विस्फोट करती है जिससे खुद को और पुरुषों को मार दिया जाता है क्रोकेन हालांकि बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम स्टैंड बनाने के लिए अपने शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं और कोचरन ओबन्ना को मार देता है और राजा पांडी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लेकिन रेड्डी तलवार के द्वंद युद्ध में कोकेन को हराकर उसे बचा लेते हैं विद्रोहियों ने उन्हें वापस पकड़ लिया और दस हजार लोगो को मार डाला लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब वो एक घायल क्रुकेन ने उनकी तलाश जारी रखी वीरा रेड्डी नाम के एक प्रमुख ने गुस्से में प्रतिरोध को धोखा दिया क्योंकि रेड्डी ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी और उसके सिर पर एक ब्रिटिश इनाम इकट्ठा किया गया था उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया लेकिन केवल अपने सहयोगियों को प्रकट करने के लिए यह पता चलता है कि रेड्डी ने वीरा को रेड्डी की चाय पीने के बारे में जाने बिना उसे छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया जिससे के आदमी उसे पकड़ सके रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उनके समर्थकों को निर्वासित कर दिया जाता है लेकिन रेड्डी को फांसी देने से पहले वह अपने गांव को भाषा देते हुए कहते हैं कि वे मजबूत खड़े रहे और प्रतिरोध करें। हालांकि रेड्डी फांसी से भी नहीं मरते और फंदे से बचाते हैं सैनिकों में से एक ने उसका सिर काट दिया लेकिन बाद में भी रेड्डी का शरीर क्रोकेन को छुरा घोप मार डाला विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर एक प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है गोसाई वेकन्ना अवकू राजू राजा पांडी और रेड्डी की अन्य समर्थकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेजों से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं एक कथन में कहा गया है कि रेड्डी के विद्रोह ने योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनकी योग्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया होगा दोस्तों कहानी का काफी अच्छी है आप लोग देखिएगा मूवी को और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग